जैसे संस्थान, मंदिर की घंटियां बजाए, यहाँ भी जियो यूनिवर्सिटी खुल जाए, वो हम होने नहीं देंगे। जेएनयू शुरू से इन पर उंगली उठाता आया है, हर प्रहार इन पे किया है। जुर्म हमारा ये है कि हम किसी के बर्तन नहीं धो रहे, जुर्म हमारा ये है कि हम किसी का नाली नहीं साफ कर रहे, जुर्म हमारा ये है कि हम किसी का सड़क नहीं बना रहे, जुर्म हमारा ये है कि हम चुप नहीं है, जुर्म हमारा ये है कि हम आजाद हैं। बस यही हमारा जुर्म है। मैम, पैर में जो चोट लगी है, कब है, कैसे हुआ है? आज ही धक्का दिया गया है। हाँ। जब हम बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, दो महिला पुलिस ने हमारा हाथ पकड़ा है, और एक मेल पुलिस, दिल्ली मेल पुलिस, वो मुझे मिला नहीं, वो टीका लगाए हुए था, वो मेल पुलिस मेरा ब्रेस्ट दबाया है। कैसे लोग हैं ये लोग? ये कानून की बात करते हैं, जब आप महिलाओं के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे कि आप महिलाओं पे हिंसा कर रहे हैं, किस कानून की आप बात कर रहे हैं? जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रही थी, तब आपने शिक्षा का एक मुद्दा उठाया था, निजीकरण का मुद्दा। वही निजीकरण हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जेएनयू जैसे संस्थान, मंदिर की घंटियां बजाए, यहाँ भी जियो यूनिवर्सिटी खुल जाए, वो हम होने नहीं देंगे। जेएनयू शुरू से इन पर उंगली उठाता आया है, हर प्रहार इन पे किया है। हम इनके असली ओपोजिशन है, इसलिए हमें दबा रहे हैं। हम दबेंगे नहीं, हम सड़कों पे खड़े, हम लड़ रहे हैं। इधर देखिए भीड़ खड़ी है, इधर देखिए हम अकेले हैं। मार्च को जिस तरीके से यहाँ पर अभी दबा दिया गया, तो ये अब क्या, किस तरीके से आवाज उठेगी यहाँ जेएनयू के लोगों का? मार्च कब तक दबाते रहेंगे? सवाल तो ये है, कब तक दबाते रहिएगा? 5,000 वर्षों से आप हमें दबा रहे हैं, 5,000 वर्षों से महिलाओं को दबा रहे हैं, दलितों को दबा रहे हैं, बहुजनों को दबा रहे हैं। ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। लोहिया जी ने भी कहा है यही, अगर मैं इस पहाड़ पर एक दरार कर पाऊँ तो मैं उसे अपनी जीत समझूंगा। और हम इस पहाड़, जो ये सत्ताधारी बैठे हैं, इनको हम नीचे गिरा करके ही अपनी जीत महसूस करेंगे। मैम, बीजेपी सरकार के साथ ही साथ मीडिया के खिलाफ भी आप लोगों ने अल्लाह बोल दिया, क्या समस्या? क्योंकि मीडिया वो एक कील के समान है, जो चक्र चल रहा है। आप बोलते हैं फोर्थ पिलर, ये फोर्थ पिलर कहीं ढह चुकी है, कहीं गिर चुकी है। जो लोग सत्ताधारियों के साथ है, इन हुक्मरानों के साथ है, हम उनके खिलाफ है, क्योंकि हम उनको बताएंगे कि आप हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं। आपको हमारी रिपोर्टिंग करनी है, हमारे आवाज को वहां तक पहुंचाना है, उन सत्ताधारियों को हम पे दबाने के लिए उनके आवाज को नहीं सुनाना है। मैम, जो अभी यहां आप लोगों के साथ हुआ है, उसका थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ अभी? पुलिस ने हम लोग यहां शांति पुलिस छात्रों को ले जा रही है। हम लोग शांतिपूर्वक यहां पर निकले थे, शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, शुरू से ही रात से हमारे लिए बैरिकेडिंग की गई, हमारे ही घर में हमें बंद कर दिया गया। हम लोग शांति से निकले हैं, किस तरह से यहां पे अटैक कर रहे हैं, आप लोग का कैमरा इसे कैप्चर किया ही है। ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर से धक्का दिए हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, अगला बैरिकेड बना रहे हैं। अब बैरिकेड पे बैरिकेड लगाते जाइए, इस लाठी गोली का सरकार को हम दबाते जाएंगे। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि हम छात्र जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पुलिस अलाउंस कर रही है कि धारा 144 लागू, जैसा कि पुलिस बोल रही है, तो धारा 144 में ये नहीं होता कि आप बैरिकेड तोड़ करके बाहर आ जाए। धारा 144, आप संविधान को खत्म कर रहे हैं, आप शिक्षा को बाजारीकरण कर रहे हैं, आप शिक्षा उन अंबानी अडानियों को देंगे, उनके परिवार वालों को नसीब होगा? हम गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? हम बहुजन का बच्चा कहाँ जाएगा? दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, अति पिछड़ा का बच्चा कहाँ जाएगा? हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है? उस अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप कौन से धारा 144 की बात कर रहे हैं, जब आप तमाम धाराओं को, तमाम हमारे हक को, सब संविधान को कुचलते जा रहे हैं, आप धारा की बात कर रहे हैं? चलो बच्चा, समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।